आपका भी दिल हो रहा है, घर के अंदर गर्मी गजब की हो रही है, तो आइए मेरे साथ में मिलके बनाते हैं हम एकदम फ्रेश और जबरदस्त सा, दिख रहा है आपको ये गन्ने का जूस। तो किस तरीके से बनाए आइए मेरे साथ में बनाने, बहुत इजी सिंपल और झटपट रेसिपी दी हूँ गन्ने के रस की, और बहुत ही सिंपल तरीके से बताई हूँ आपको, देख के ही लग रहा है ये गन्ने का रस बिल्कुल वैसे ही बना है जैसा आपको देते हैं दुकान वाले, वो भी देते हैं। देखो आपको ऊपर झाग होता है और इस तरीके से ही होता है एकदम फ्रेश, लेकिन हम घर में उससे भी ज़्यादा फ्रेश बनाएंगे अपनी फैमिली के लिए। तो आइए इसकी रेसिपी देखते हैं, चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलें, वीडियो को फुल वॉच करें। वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड आप लोग, जहाँ भी हो खुश आबाद हो, अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में हो, अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखें, आमीन सुम्मा आमीन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ में। चले आइए, गर्मियाँ इतनी हो रही है, बेहिसाब गर्मियों चालू हो गई हैं और हर जगह गर्मी का टाइम है, तो इस टाइम पे हमें ऐसा होता है कि कुछ हमारे बॉडी को बाहर से जूस वगैरह ये हमारे बहुत नुकसान करता है, पेप्सी वगैरह, तो इससे अच्छा हम घर के अंदर हेल्दी ड्रिंक बना के पियेंगे। आपको गन्ने का रस तो ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसको पसंद नहीं होगा, तो आइए गन्ने का होममेड जूस मैं आपको घर में बनाना बताती हूँ, बहुत ही हेल्दी है ये, बड़े बच्चे सबको ही पसंद आएगा और बहुत झटपट सी रेसिपी है, तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को दबा के रखिएगा, जब तो सबसे पहला मेरा नोटिफिकेशन आपको मिले, थैंक यू सो मच। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से हम गन्ने का जूस बनाएंगे घर के अंदर। इसी तरीके से जो हमें गन्ने के रस में लगने वाला है, ये यहाँ पे मैंने ली हूँ पीसी हुई शुगर, और इसके अंदर ये मैंने भुना हुआ जीरा, काली मिरी मैं घर के अंदर बना के रखती हूँ मसाला शरबत के लिए, तो ये मैंने ली हूँ, ये बाद में हम गार्निशिंग के लिए लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने ग्लास ले लिया है, और यहाँ पे देखिए पुदीने को मैंने ठंडे पानी में धो के अच्छे से रखा है, और बर्फ़ आइस डाल के रखिएगा, इसका कलर नहीं ख़राब होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखें ये काला ब्लैक सॉल्ट है, काला नमक, और यहाँ पे मैंने एक बड़ा नींबू ली हूँ और एक छोटा नींबू ली हूँ, ठीक है, लेमन जूस, और यहाँ पे आइस क्यूब ली हूँ। तो आइए झटपट से बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक मिक्सी का जार ले ली हूँ, जहाँ पे अब हमारे हम गन्ने के रस की बनाने की तैयारी करेंगे। तो इसके अंदर देखें ये धोई हुई खूब सारी पुदीने की फ्रेश पत्तियाँ डाल देंगे हम, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें पुदीने की पत्ती डाल दी। अब इसी के अंदर हम गुड़ देंगे, ठीक है, इससे आप लोग बनाइएगा ज़रूर, अगर अब तक आपने नहीं ट्राई किया होगा तो मेरे कहने पे आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड जब आप बनाएंगे ना तो आपको खुद ही मालूम पड़ेगा कि ये इतना मज़े का बनता है कि आपको खुद को यकीन नहीं आ गया कि आप ये गन्ने का जूस मंगा के पिया है कि घर में बनाए करके, एक टाइम ट्राई ज़रूर करिएगा और फिर मुझे अपने कॉमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पर हम गुड़ ले लेंगे जितना ग्लास बनाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3 से 4 ग्लास बना रही हूँ, तो मैं मेरे हिसाब से गुड़ इसके अंदर ले रही हूँ, आप जितना मीठा चाहिए आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन गन्ने का जूस है तो मीठा तो रहेगा ही, ठीक है ना, थोड़ा स्वीटनेस। तो अब इसके अंदर देखें हम ये डाल देंगे माशाल्लाह, और कुछ भी नहीं करना है, आइस डाल के इसको हम बस ग्राइंड कर लेंगे, भी बाद में जो लेमन है ब्लैक सॉल्ट है हम पीसने के बाद में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे इसके अंदर माशाल्लाह। ये देखिए इसके अंदर मैंने ये डाल दी गुड़ इस तरीके से, अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 से 3 आइस, ठीक है, और इसको मैं पीस लेती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड वैसे ही गन्ने के जूस के जैसा इसमें झाग आ गया है, इसके अंदर अब मैं ये ग्लास से ये देखें पानी डाल दूंगी एक ग्लास भर के, और इसको मैं अब एक टाइम वापस से अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। और चले आइए फ्रेंड देखें यहाँ पे अब हम इसको गन्ने के रस को छान लेंगे, तो अब यहाँ पे हम ये देखें जो कि हमने ग्लास रखे थे, ये देखें ये इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा गार्निशिंग कर दे रही हूँ, तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा ये इस तरीके से, ठीक है, ये देखें इस तरीके से, तो हल्का सा ग्लास को थोड़ा सा ये किनारे गीले कर लें आप इस तरीके से, तो इसके अंदर ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखें इस तरीके से हमने ये ले लिया है, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह, हमने इस तरीके से वापस इसको पानी लगा के ये देखें माशाल्लाह, ये देखिए इस तरीके से। अब इसके अंदर हम डाल देंगे आइस क्यूब, और इसको हम इसके अंदर अब छान लेंगे, ये जो हमने बनाया है गन्ने का रस,
देख सकते हैं आप लोग परफेक्ट इसी तरीके से झाग आता है जब हम बनाते हैं, गलने वाले हमको देते हैं तो देखें इस तरीके से छान लेंगे। इसमें क्या होगा, जो भी ये पुदीने का वगैरह रहेगा तो ये हमारे मुंह में नहीं आएगा, एकदम फ्रेश माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पे देखिए अब लेमन ली हूँ मैंने, ये इसमें डालेंगे, ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने सोची क्यों ना, गर्मियों का टाइम है तो आप लोगों के, मेरे फ्रेंड लोग के साथ में भी हम घर में बना रहे थे तो आपके साथ में भी शेयर करूं, इतनी हेल्दी है जूस, तो ड्रिंक आप भी बना के घर में बच्चों के साथ में पिए। नींबू रस में रस ज़्यादा था तो मैं एक ही डालूंगी, बस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ब्लैक सॉल्ट है जो मैं इसमें डाल दूँगी, थोड़ा सा काफ़ी है इतना। ये देखिए फ्रेंड, आइए अब हम हमारे गन्ने का रस इसमें डाल लेते हैं ग्लास में। माशाल्लाह देख के आपको लग रहा होगा, यकीन ही नहीं आएगा किसी को कि ये गन्ने का जूस है और इतना फ्रेश साफ़ सुथरे तरीके से आपने अपने घर में बनाया है फैमिली के साथ में, आप ये इंजॉय करें माशाल्लाह। तो देखें इतने ही इसमें 5 से 6 गिलास बन जाएंगे आपके, गर्मी में पिए और आपके घर में मेहमान आ रहे हैं उनको भी आप पिलाएं, वो भी यकीन ही नहीं करेंगे कि ये गन्ने का जूस आपने घर के अंदर बनाया है इतना फ्रेश। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनके ये रेडी हो चुका है। ये देखें फ्रेंड्स, आज की हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी हेल्दी, और ये देखें देख के लग रहा है आपको, ये देखें इसका कलर बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहे कि ये गन्ने का जूस नहीं है, एकदम परफेक्ट तरीके से मैंने बनाई हूँ। तो ट्राई करिएगा, अच्छी लगे तो अपने प्यार भरे कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली में वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करने में प्लीज़ कंजूसी नहीं करिएगा, बहुत मेहनत से ले आते हैं देखें आप लोगों के लिए। ये देखें वाह, अभी से ही दिल हो रहा है पीने का मेरा तो फिर एक ऐसी रेसिपी के साथ में मिलूँगी फ्रेंड। अच्छी लगे तो अपने कमेंट करके बताइएगा, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपने सिस्टर को भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।